करते आ रहे हैं। ऐसे में नगर निगम व पुलिस प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर पटरी व्यवसायियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके विरोध में पटरी व्यवसायी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक पटरी व्यवसायियों ने सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव व नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि उनका उत्पीड़न बंद किया जाए। श्रीमंत संवाददाता से बात करते हुए पटरी व्यवसायी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार झा ने बताया, व्यवसायियों को लगातार नगर निगम प्रशासन उत्पीड़न कर रहा है, पुलिस प्रशासन लगातार उत्पीड़न कर रहा है। आप मीडिया कर्मी हैं, आप देखते होंगे शास्त्री चौराहे पे पटरी व्यवसायियों को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता। हद तो आज तब हो गई जब गोल घर में पटरी व्यवसायियों का ठेला तक जब्त कर लिया गया। 500 रुपये से 5,000 रुपये तक कर्नल ने वसूलने का काम किया। एक तरफ मुख्यमंत्री जी लगातार बसाने की बात करते हैं, आज ही अखबार में है कि 2500 पटरी व्यवसायियों को जल्दी ही तोहफा देंगे। एक तरफ हम लोग मिल करके नगर निगम वेंडर कमेटी से लेकर सब लोग मिल करके डीएम साहब मिल करके एक तरफ 10,000 रुपये पटरी व्यवसाय को लोन दे करके उनकी व्यवस्थित व्यवस्था उनके कार्यक्रम को सुचारू करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। एक तरफ हम प्रयास करते हैं, दूसरे तरफ उन्हीं पटरी व्यवसायियों को हम उजाड़ते हैं, ये दोनों ही बात हो रही है। आज ही अखबार में 2500 पटरी व्यवसायियों को मुख्यमंत्री तोहफा दे सकते हैं। क्या मुख्यमंत्री जी के निर्देश का नगर आयुक्त किल्ली उड़ा रहे हैं कि कर्नल किल्ली उड़ा रहे हैं कि जिला प्रशासन किल्ली उड़ा रहा है? हम इस चीज को साफ करना चाहते हैं, और नहीं तो मुख्यमंत्री के निर्देश और कार्यकलाप का पालन किया जाए, पटरी व्यवसायों का उत्पीड़न